वंदे मातरम, वेलकम टू डे एग्ज़ाम क्लासेस। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, रीट भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम आज राजस्थान जीके के। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान के जीके के क्वेश्चन बनते हैं, जो बार बार रीट एग्ज़ाम भर्ती में पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चनों को आज हम करेगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलेगा दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन। ग्रासिया जाति का मूल निवास स्थान भाकरपट्टा माना जाता है, ये किस जिले में स्थित हैं? बारा, कोटा, सिरोही, सीकर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सिरोही जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अगला क्वेश्चन। किस जनजाति के विकास के लिए मामूनी की संकल्प संस्था कार्यरत हैं? ग्रासिया, सैरिया, कथोड़ी, कालबेलिया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सहरिया जनजाति के विकास के लिए मामूनी की संकल्प संस्था कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना की गई 1980 में, 1985 में, 1984 में, 1960 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 1984 में राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने। सहरिया जनजाति के विकास के लिए सहरिया विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? 1955 से 1956, 1965 से 1967, 1977 से 1978, 1969 से 1970। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपके सामने ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा दोस्तों, 1977 से 1978 तक सहरिया जनजाति के विकास के लिए सहरिया विकास कार्यक्रम चलाया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान में लिंबा राम क्यों प्रसिद्ध हैं? कबड्डी, गायन में, तीरंदाजी में, कुश्ती में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर स इज करेक्ट, तीरंदाजी में लिंबा राम प्रसिद्ध हैं राजस्थान के। कौन है लिंबा राम, किस में प्रसिद्ध है? तीरंदाजी में। अगला क्वेश्चन आपके सामने। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट, बीकानेर न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस मेवाड़ का राजा कौन था? प्रताप, उदय सिंह, सांगा, अमर सिंह। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ब इज करेक्ट, उदय सिंह उस समय मेवाड़ का राजा था जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1567 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 31.81 सेंटीमीटर, 57.51 सेंटीमीटर, 29.41 और 40.29 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ब इज करेक्ट, 57.51 सेंटीमीटर राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं? कर्नल टॉड, हेरोडोटस, जॉन थॉमस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट, कर्नल टॉड कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है? सरस्वती, यमुना, गंगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है।
तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों, अ इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दूं, अगर इन क्वेश्चनों को आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहीं से जाएगा आपको इन क्वेश्चनों का पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। कौन सा स्थान राजस्थान के तीर्थराज के नाम से विख्यात हैं? पुष्कर जी, कौलायत जी, महावीर जी, गलत जी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पुष्कर जी स्थान राजस्थान के तीर्थराज के नाम से विख्यात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस महोत्सव का आयोजन होता है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। राजस्थान के जैसलमेर जिले महोत्सव का आयोजन होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ब इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट। राजस्थान में ऊंट समारोह को आयोजन बीकानेर जिले में होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का थर्मोपोली कहलाता है? अजमेर, हल्दीघाटी, चित्तौड़गढ़, फरतपुर। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ब इज करेक्ट। राजस्थान का हल्दीघाटी का ह्रदय जो थर्मोपोली कहलाता है। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1577 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें युद्ध का निर्णय अनिर्णायक रहा। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी विरजानंद जी महाराज ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, उपरोक्त सभी ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर स इज करेक्ट। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? तेग बहादुर, गुरु अर्जुन, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट। गुरु गोविंद सिंह राजस्थान में सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? मानसेर, अलवर, पीपासर नागौर, शाहपुरा, जयपुर। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर स इज करेक्ट। पीपासर नागौर। राजस्थान लोक संत पाव जाम्बोजी का जन्म पीपासर नागौर में हुआ था। वीडियो को जरा भी स्किप ना कीजिए, अंत तक देखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में रामानुज संप्रदाय कौन थे? नौरंग माफरबू, रामानुचार्य, जसनाथ जी, वल्लभाचार्य। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सा इज करेक्ट। राजस्थान में रामानुज संप्रदाय के जसनाथ जी संप्रदाय या प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संत जाम्बोजी ने राजस्थान में किस संप्रदाय की स्थापना की थी? निरंजनी, विश्नोई, जसनाथ जी, रामसेनई। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ब इज करेक्ट। संत जाम्बोजी ने राजस्थान में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? जय नारायण व्यास, हीरालाल साखी, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ब इज करेक्ट। हीरालाल साखी ने वनस्पति विद्यापीठ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में प्रथम नगर पालिका कहाँ स्थापित हुई थी? जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर स इज करेक्ट। राजस्थान में प्रथम नगर पालिका उदयपुर में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के
शासनकाल में पिचोला झील का निर्माण किया गया था। महाराणा सांगा, राणा लाखा, महाराणा कुंभा, महाराणा रायमल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 22 करेक्ट, राणा लाखा के शासक के शासनकाल में पिचोला झील का निर्माण किया गया था। किसके शासनकाल में? राणा लाखा के। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्री गंगानगर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ब इज करेक्ट। और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? बीकानेर। तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों क्वेश्चनों में, कंफ्यूज ना होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सिलीसेड, नक्की, आना सागर, जहर समंद। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जहर समंद झील है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1008 ईस्वी में पंजाब के आनंद पाल एवं महमूद गजनवी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? वहंद का युद्ध, अजमेर का युद्ध, पहो का युद्ध, कसाना का युद्ध। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट, वहंद का युद्ध हुआ था। किन किन के बीच? आनंद पाल और महमूद गजनवी के बीच पंजाब में 1008 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1178 ईस्वी में मूलराज व मोहम्मद गौरी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का युद्ध, आबू का युद्ध, नागदा का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बाय इज करेक्ट, आबू का युद्ध मोहम्मद गौरी और मूलराज के बीच 1178 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अजमेर का युद्ध किसके मध्य हुआ? पृथ्वीराज व तुर्कों के मध्य, अर्णोराज व तुर्कों के मध्य, पृथ्वीराज तर्थे व मोहम्मद गौरी के मध्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ब इज करेक्ट, अर्णोराज व तुर्कों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1101 ईस्वी में, 1192 में, 1193 में, 1194 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बाईस करेक्ट, 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है युद्ध के सनों का नाम याद रखना। रणथंबोर का युद्ध कब हुआ? 1301 ईस्वी में, 1302 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में, 1304 ईस्वी में। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका है, रणथंबोर का युद्ध 1301 ईस्वी में हुआ था। चित्तौड़गढ़ का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी व रतन सिंह के बीच कब हुआ था? 1301 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में, 1304 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, चित्तौड़गढ़ का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी व रतन सिंह के बीच 1301 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सिवाना आक्रमण के बीच हुआ था? कानड़ देव, सातल देव, शीतल देव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर स इज करेक्ट, शीतल देव के बीच हुआ था। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सिवाना आक्रमण के बीच अलाउद्दीन खिलजी और शीतल देव के बीच हुआ था सिवाना आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सारंगपुर का युद्ध किस सन में हुआ? 1437, 1440, 1447 ईस्वी, 1441 ईस्वी में। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट, 1437 ईस्वी में सांगपुर का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, कोसाना का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? 1491, 1492 ईस्वी, 1493 ईस्वी, 1494 ईस्वी। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट, 1491 ईस्वी में कोसाना का युद्ध हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? खतौली, वांडी, गागरौन, खानवा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के कौन से नगर में हवाई अड्डा नहीं है? उदयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, अजमेर नगर में हवाई अड्डा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की सबसे कम सीमा कौन से राज्य से लगती है? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पंजाब राज्य से लगती है। क्या लगती हैं? राजस्थान की सबसे कम सीमा, और वो दो क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आए हैं। कंफ्यूज ना होएगा दोस्तों, क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कौन से वर्ष में की गई? 1949 में, 1951 में, 1953 में, 1955 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट, 1955 ईस्वी में राजस्थान वित्त निगम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे कम भूभाग है? पहाड़ी प्रदेश, वन प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट, राजस्थान का सबसे कम भूभाग पहाड़ी प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जैसलमेर जिले में कौन सी नदी बहती है? लूणी, सूकड़ी, खारी, कांगणी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट, जैसलमेर जिले में कांगणी नदी बहती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में मूर्ति कला का विशेष केंद्र कहाँ है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट, राजस्थान में मूर्ति कला का विशेष केंद्र जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, वर्तमान राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1956 को, 30 मार्च 1949 को, 1 नवंबर 1956 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी है वो आपको हमें कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आप लगभग बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों रीट एग्ज़ाम में अभी बहुत ही कम बचे हैं दिन, और काफ़ी बच्चों ने इम्प्रूवमेंट कर लिया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा दोस्तों क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसी के साथ अपनी रेट की तैयारी को बरकरार रखिए। वंदे मातरम।